ऑलराइट, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो सिटी है वो डेलस है, जो रीजन है वो टेक्सस है, और जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूएसए की हमें ये आरडीपी मिली है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें 32 GB रैम है, 500 GB की एसएसडी हार्ड ड्राइव है और 24 कोर का सीपीयू आपको मिला है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फास्ट 3 आपको इस आरडीपी के अंदर इंटरनेट भी मिल चुका है। अब आप इसको जब चाहे जहां चाहे लॉगिन कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। काफी टाइम से आपका भाई गायब था यार, उसकी रीजन ये थी कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, अभी भी खराब है, लेकिन बहुत से भाई लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, डिमांड आ रही है कि यार भाई जल्दी से वीडियो बनाओ फ्री आरडीपी पर, हमें यूएसए की आरडीपी चाहिए, हमें फ्री में आरडीपी क्रिएट करना सिखाएं, हमें एक ऐसी आरडीपी क्रिएट करना सिखाएं जिसको हम किसी भी पीसी में या लैपटॉप में लॉगिन वगैरह कर सकें। तो भाई हाजिर हो चुका है एक न्यू वीडियो के साथ। आज मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा हाउ टू क्रिएट फ्री आरडीपी फॉर लाइफ टाइम इन 2024 विदाउट क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड के। अगर आप लोग भी बिल्कुल फ्री में आरडीपी हासिल करना चाहते हो जिसमें आपको 32 GB रैम, 500 GB की एसएसडी हार्ड ड्राइव के साथ और बहुत कुछ मिले, तो आपने आज की वीडियो मिस बिल्कुल भी नहीं करनी, और इस वीडियो को आपने कंप्लीट लाजमी से वॉच करना है, क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज भी आएंगे आपको जो मैं आपको इसी वीडियो में कवर करूंगा। नेगेटिव कमेंट करने से बेहतर है कि आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, ताकि आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं आपको लाइव हर चीज करके दिखाऊंगा ताकि आपका कोई भी गिला मेरे सिमे ना रहे। अगर आपको आज की इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आपने हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट लाता रहता हूं। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट भाई लोगों, सबसे पहले आपने अपना कोई सा ब्राउजर ओपन कर लेना है, वहां पर जाकर आपने गूगल ओपन करना है और वहां पर आपने जाकर सर्च करना है फ्री आरडीपी होस्टिंग। सर्च करने के बाद आपको ये फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, यहां पर आप इसका डोमेन देख लें, क्योंकि इस तरह की मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, लेकिन आपने इसी पर आना है। यहां पर देख लें rdphosting.com इसका डोमेन है, और यहां पर ये फ्री आरडीपी होस्टिंग सर्वर फॉर लाइफ टाइम इंस्टेंट आरडीपी एक्टिवेशन। आपने क्या करना है, इसको न्यू टैब में ओपन कर लेना है, यहां पर आपने जाना है और यहां पर आपके सामने देखें ये कंप्लीट 100% फ्री आरडीपी होस्टिंग सर्वर फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। इसको हम यहाँ पर बंद कर देते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, मेंशन भी किया गया है, नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड। विदाउट क्रेडिट कार्ड के आप यहाँ पर इजीली फ्री में आरडीपी क्रिएट कर सकते हो। वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों को एक और गिफ्ट भी देना चाहता हूँ। सिंपल, अगर आप लोग वीडियो एडिटर हो या आप इजी वीडियो एडिटर की तलाश में हो, तो आपने क्या करना है, सिंपल यूट्यूब में जाकर सर्च करना है लर्न इजी वे यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर आकर आपने हमारी इस फर्स्ट वीडियो को लाजमी से वॉच कर लेना है, जिसमें मैंने आपको फिल्मोरा 13 जो वंडरशेयर फिल्मोरा 13 का लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल करना सिखाया है। और हाँ, इस वीडियो में आपको वही मिलेगा जो आप लेना चाहते हो। अब आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर नेगेटिव लोगों के कमेंट्स पर ध्यान मत देना, एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, इसमें आपको वही सब चीजें मिल जाएंगी जो आप लेना चाहते हो। मैं भी फिल्मोरा 13 यूज करता हूँ, अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो आप लोग ये वीडियो लाजमी से जाकर देख सकते हो, और आप इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सकते हो। और ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है जो पूरे यूट्यूब में इस वक्त कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा, जो मैंने इस वीडियो में सबको प्रोवाइड किया है। तो लाजमी से जाकर एक बार इस वीडियो को वॉच और लाइक वगैरह कर देना। अब चलते हैं वापस अपने मेथड की तरफ। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, सिंपल इज दैट थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखें आपको काफी सारे सर्वर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको सोलो सर्वर मिलता है, उसके बाद आपको एक्सपर्ट सर्वर मिलता है। हम किस पर बनाएंगे, हम बनाएंगे सोलो सर्वर पर, जो कि हम खुद अकेले यूज करेंगे ये वाली आरडीपी, हमारे अलावा कोई और बंदा इस आरडीपी को यूज नहीं कर पाएगा। अब आपको इस आरडीपी के अंदर क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है फुल एक्सेस, मतलब कि आपको यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, आप कहीं भी इस आरडीपी को लॉगिन वगैरह कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पर देखें 32 GB रैम है, 24 कोर का यहाँ पर सीपीयू मिलेगा, 500 GB की एसएसडी हार्ड ड्राइव, और उसके अलावा यहाँ पर 500 MB का इंटरनेट, जो कि काफी ज्यादा फास्ट इंटरनेट है, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपने क्या करना है, सिंपल गेट स्टार्टेड पर आपने क्लिक कर देना है, और यहाँ पर देखें यहाँ पर आपको फिर दोबारा से गेट स्टार्टेड नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपने देखें यहाँ पर सोलो फ्री सर्वर, यहाँ पर साइन अप नाउ पर क्लिक करना है एक बार। अब मैं आपको ये जो अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ ना, ये जस्ट मैं एक डेमो अकाउंट बना रहा हूँ, ये मेरा रियल अकाउंट नहीं है, ये मैं जस्ट आप लोगों को
सिखाने के लिए बना रहा हूँ। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आपने भी सेम वैसे वैसे करना है। मैंने जो अपना रियल अकाउंट है वो कल रात बना लिया था और मेरा अप्रूव भी हो चुका है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये जस्ट आप लोगों को अकाउंट वगैरह बनाने का तरीका समझाने के लिए ये अकाउंट बना रहा हूँ। तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर होस्ट नेम ऐड करना है। होस्ट नेम आप कुछ भी दे सकते हो, अपना नेम दे दें या किसी कंपनी का नेम दे दें। ओके, यहाँ पर मैंने अपने सेकंड यूट्यूब चैनल का नेम दे दिया। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपने अगेन स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखें ये फर्स्ट ऑटोमेटिक चेक होगा। आपने क्या करना है, सेकंड वाले पर भी क्लिक कर देना है और थर्ड वाले को भी चेक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने चेकआउट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपने बड़े ध्यान से देखना है, यहाँ पर आपने तकरीबन सारी डिटेल, यहाँ पर आपने अपना ईमेल वगैरह, रियल जो आपका जीमेल का अकाउंट होगा वो आपने यहाँ पर एंटर करना है। एक दफा मैं यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। और राइट भाई लोगों, यहाँ पर मैंने तमाम डिटेल फिल कर दी है। सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम देना, उसके बाद लास्ट नेम देना है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना रियल जीमेल अकाउंट देना है, क्योंकि आपके जीमेल अकाउंट पर ही आपको आपकी आरडीपी की लॉगिन डिटेल वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो आपने रियल देना है। उसके बाद रैंडम अपना नंबर दे दें, अपना नाम भी दें, बस अपना कंट्री कोड सिलेक्ट करें जो से भी आप कंट्री से हैं, आगे कुछ भी लिख दें जो आपके नंबर के मुताबिक होता है। ठीक है, बेशक अपना नंबर ना दें। उसके बाद यहाँ पर आपने कंपनी नेम देना है, मैंने अपने सेकंड यूट्यूब चैनल का नेम दे दिया। उसके अलावा यहाँ पर आपने एड्रेस देना, कोई भी रैंडम एड्रेस दे दें, जिस कंट्री को आप सिलेक्ट करेंगे उसी कंट्री का आपने एड्रेस वगैरह प्रोवाइड करना है। उसके अलावा यहाँ पर सेकंड एड्रेस दे दें। उसके अलावा आपने यहाँ पर सिटी सिलेक्ट करनी है, यहाँ से आपने स्टेट सिलेक्ट करना है कि कौन से स्टेट से हो, किस कंट्री के। सबसे पहले आप यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट कर लें, तकरीबन पूरी दुनिया की ही कंट्रीज हैं यहाँ पर, पहले आप कंट्री सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप स्टेट लिख दें, उसके बाद सिटी लिख दें। उसके अलावा जिस स्टेट में आप रहते हो उसका आपने पोस्ट कोड यहाँ पर एंटर करना है। अब फॉर एग्जांपल आप पंजाब से हो तो आप गूगल में जाके सर्च करें पंजाब पोस्टल कोड या पोस्ट कोड, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, वो कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, अब ये वेबसाइट पूछ रही है कि आपने हमारी ये वेबसाइट कहाँ से देखी है, तो मैं कह देता हूँ मैंने गूगल से देखी है। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने पासवर्ड एंटर करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। यहाँ पर मैंने तो वैसे ही अकाउंट बनाया तो मैंने ऐसे ही बस पासवर्ड रैंडम लिख दिया। उसके बाद वही पासवर्ड आपने यहाँ पर रीटाइप करना है। रीटाइप करने के बाद यहाँ पर आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। अब आपने यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। अब यहाँ पर आपके सामने ये इमेज होगी छोटी सी, ठीक है, इसमें कुछ लिखा हुआ है, आपने वही चीज़ यहाँ पर लिखनी है। ध्यान रहे कि वही कुछ लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर ये गलत हो गया तो अगेन आपको यहाँ पर रिफ्रेश करके अगेन लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक बार हम कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक किया, अब ये देखें वो कह रहा है कि आपकी डिटेल करेक्ट नहीं है। ओके, देखें यहाँ पर लिखा आ गया कि जो हमने इमेज में लिखा हुआ था वो आपका करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर दोबारा से पासवर्ड लिख लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने अगेन लिख लिया, आप कंप्लीट ऑर्डर पर क्लिक करते हैं, होप्स हो कि अब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट भाई लोगों, यहाँ पर जो हमारा ऑर्डर है वो कंफर्म हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमने अपने ईमेल पर जाना और वहां से जाकर अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर मुझे 3 ईमेल आए हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाले को यहाँ पर ऑन करते हैं और यहाँ से अपने अकाउंट को जो है वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो हमारा ईमेल है वो वेरीफाई हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें जाना है कंटिन्यू टू क्लाइंट एरिया पर, यानी कि अब हम अपनी वेबसाइट के इंटरफेस पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे देखिए सर्विस लिखा हुआ है और उसके ऊपर 0 लिखा हुआ है इस टाइम, यानी कि कोई भी सर्विस हमारे इस अकाउंट पर नहीं चल रही। तो हम सिंपल इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए हमने 16 अकाउंट बनाया था और यहाँ पर देखिए वो अभी उसका स्टेटस जो है वो पेंडिंग में है, क्योंकि अप्रूव्ड होता है तकरीबन 24 घंटे के अंदर अंदर। मेरा जो अकाउंट कल अप्रूव हुआ है वो तकरीबन 15 से 16 घंटे में हुआ है। आपका देख लेना आपका कितनी देर में ये अप्रूव करते हैं। अब आपको यहाँ पर मैं एक और बात बता देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला अकाउंट अपने इस पीसी पर एक बार बना लिया, ठीक है, एक बार बनाने के बाद मेरा अकाउंट अप्रूव भी हो चुका है और मेरे पास ये अकाउंट आ भी चुका है। अब फॉर एग्जांपल मेरे से ये वाला अकाउंट हो गया डिलीट या मुझे इसका ईमेल वगैरह नहीं मिल रहा, तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस वेबसाइट पर अगेन इसी कंप्यूटर पर इसी इंटरनेट से दोबारा अकाउंट बनाऊंगा तो मेरा अकाउंट अप्रूव नहीं करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं बनाऊंगा किसी और कंप्यूटर में जाकर किसी और इंटरनेट के थ्रू, या फिर अगर आपके पास कोई और कंप्यूटर वगैरह नहीं है तो आप क्या करें, सिंपल हमारे YouTube चैनल को ओपन करें, ये पैसे कमाओ वाले, और ये फर्स्ट वाली 2 वीडियोस को देख लें। ठीक है, इसमें भी मैंने आपको फ्री RDPs क्रिएट करना सिखाया, इंस्टेंट आपको RDPs मिल जाएंगी कुछ कुछ घंटे के लिए। तो इनमें से कोई भी आप जाकर वीडियो देख लें और इस वीडियो को देखकर
अगर फ्री में कोई आरडीपी बना ले, उस आरडीपी में जाकर आप ये फ्री आरडीपी की अकाउंट बना लो और वहां से जाकर उसको अप्रूव करवा कर इजिली अपने नॉर्मल कंप्यूटर में लाकर उसको यूज कर लो। अब मैंने भी कल जो उनसे अपना अकाउंट बनाया था वो ऐसे ही बनाया था। इस वीडियो में जो मैंने आपको आरडीपी बनाना सिखाई है, पहले वो मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर आरडीपी बनाई, तकरीबन 1 से 2 मिनट में वो आरडीपी बन जाती है। उसमें क्या होता है, आपको एक अलग पीसी मिल जाता है, अलग आईपी एड्रेस मिल जाता है, तो आप उसमें जाकर इजिली फ्री आरडीपी होस्टिंग का अकाउंट बनाए। जीमेल आपका आपके इसी रियल कंप्यूटर में होगा, बस आपने क्या करना है वहां पर डिटेल फिल करनी है, वो आपको ईमेल जो वेरीफाई का ईमेल होगा वो आपके नॉर्मल पीसी में आ जाएगा, यहां से कॉपी करके आप वहां ले जाइएगा और उसको अप्रूव करवा लीजिएगा। उसके बाद 24 घंटे के बाद या 15 घंटे के बाद वो आपके ईमेल पर आपको लॉगिन डिटेल वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। अब आपको मैं दिखा देता हूं जो मैंने कल अकाउंट बनाया था जो मेरा अप्रूव हो चुका है। सिंपल यहां से इसको मैं बंद कर देता हूं। ये वाला अकाउंट जस्ट डेमो था आप लोगों को समझाने के लिए, तो यहां से मैं ये वाला ब्राउजर बंद कर देता हूं और यहां से मैं अपना रियल जो मेरा अकाउंट है वो वाला मैं ओपन कर लेता हूं। डायरेक्ट चलते हैं जीमेल में अपने और यहां पर आपके सामने देखें, ये देखें यहां पर ये 4 ईमेल्स आई हुई हैं फर्स्ट में ही, ठीक है, फ्री आरडीपी होस्टिंग की। अब यहां पर आपको डेट वगैरह भी नजर आ रही होगी, आज 14th जून है, ये कल की थी 13 जून की, ठीक है, आज 14 जून है, ये देख लें 13 जून की सारे ईमेल्स हैं। और ये जो ऊपर वाला है ये जो सा अप्रूव्ड है यानी कि वो आज सुबह का है, यानी कि सुबह 9 बजे मुझे फ्री आरडीपी होस्टिंग की तरफ से ईमेल आया था कि आपका अकाउंट अप्रूव हो चुका है और आप इसको इजीली यूज कर सकते हो, इसके ऊपर मेरी लॉगिन डिटेल वगैरह प्रोवाइड कर दी गई थी, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें इस तरह का आपको यहाँ पर ईमेल आएगा जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, योर आरडीपी सर्वर इज रेडी टू लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं नीचे करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी आपकी कंप्लीट डिटेल वगैरह, यहाँ पर आपको यूजर नेम मिल जाता है, उसके ऊपर आपका आईपी एड्रेस मिल जाता है, उसके अलावा आपको जो पासवर्ड है आपका आरडीपी का वो आपने यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू पासवर्ड पर आपने क्लिक करना है, ये आपको ले जाएगा आपकी फ्री आरडीपी होस्टिंग वाली वेबसाइट पर, ठीक है। अब जब आपने कल मैंने आपको भी अकाउंट क्रिएट करना सिखाया था, जिस टाइम आप बनाओगे तो यहाँ पर सर्विस में 0 लिखा होगा और यहाँ पर जो आपका स्टेटस था वो पेंडिंग लिखा होगा, जब आपका एक्टिवेट हो जाएगी आरडीपी तो यहाँ पर आपको एक्टिव शो होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं इसको होम पर ले चलते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं एक बार। होम पर आने के बाद यहाँ पर आपको देखें जो आपको पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको शो किया जाएगा, ये जो सा होगा ना कि आपको आपका पासवर्ड दिया जाएगा जो हर 24 घंटे के बाद अपडेट होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या होगा, आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा और यहीं से आपने पासवर्ड जो है वो लेकर अपनी आरडीपी को लॉगिन वगैरह करना है। अब आपको मैं लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ किस तरह आपने आरडीपी को लॉगिन करना है। उसके लिए सिंपल हम चलते हैं पहले अपने ईमेल पर, यहाँ से आपने करना है अपने आईपी एड्रेस को कॉपी। आईपी एड्रेस को कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च बार में ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन सर्च करना है और यहाँ पर लाकर आपने वो अपना आईपी एड्रेस कॉपी एंड पेस्ट करके यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ कनेक्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद आपने यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। अब ये आपसे यहाँ पर मांगेगा आपका यूजर नेम और पासवर्ड। ऑलराइट भाई को कुछ इस तरह आपसे यहाँ पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो आपने क्या करना है यहाँ पर इसको छोटा कर लेना स्क्रीन को और इसको यहाँ पर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ बार से पकड़ के हम इसको सेंटर में ले आते हैं और यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा हम नीचे ले आएंगे। अब आपने क्या करना है, माउस पर लाकर यहाँ पर यूजर नेम पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ से यूजर नेम को कॉपी एंड पेस्ट नहीं कर सकते, आपको यहाँ से देख देख कर यहाँ पर अपने कीबोर्ड के थ्रू टाइप ही करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा यूजर नेम है, यहाँ से मैं देखूंगा और देख देख कर यहाँ पर इसको टाइप करूंगा। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने यूजर नेम वगैरह लिख लिया है। अब ध्यान रहे कि ये देखें ये स्मॉल लेटर है, अगर आपके पास कोई कैपिटल लेटर आता है तो आपने वो लिखना है, अगर आपके पास स्मॉल आते हैं तो सेम आपने वैसे लिखना है, अदरवाइज आपकी यहाँ पर लॉगिन नहीं होगी। बस जैसे जैसे ये लिखा हुआ है वैसे वैसे आपने यहाँ पर लिखना है। अब आपने पासवर्ड लिखना है, पासवर्ड के लिए आपने जाना है अपनी वेबसाइट पर और ये जो आपका पासवर्ड होगा ये आपने टाइप करना है वहां पर। तो मैं क्या करता हूँ इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ ताकि ये हाईलाइट हो जाए। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, पासवर्ड को टाइप करेंगे। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने पासवर्ड भी लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए आपको 2 टाइप के पासवर्ड मिल रहे हैं, एक ऊपर मिल रहा है और एक नीचे मिल रहा है। मे भी ये ऐसा हो सकता है कि अक्सर आपका ऊपर वाला काम ना करे, तो आपने क्या करना है इस नीचे वाले को यहाँ पर टाइप करके ओके पर क्लिक करना है, आपके आरडीपी लॉगिन हो जाए, ऐसा हो सकता है। मैंने तो भाई फर्स्ट वाला किया था तो मेरा लॉगिन हो चुकी थी। आप चेक कर लेते हैं, जब आप पासवर्ड वगैरह एंटर कर दो तो आपने क्या करना है यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है और जस्ट यहाँ पर आपने वेट करना है 1 से 2 मिनट के लिए। ऑलराइट भाई लोगों, आपके सामने कुछ इस तरह की आपकी आरडीपी जो है वो 1 से 1.5 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके सामने देखिए, यहाँ पर आपको कंप्यूटर मेरा माई कंप्यूटर नेटवर्क और उसके बाद ट्रैश एमपीटी और एक फोल्डर बना हुआ है, इसमें हमारा कोई भी काम नहीं है। सिंपल आपने इंटरनेट यूज करने के लिए आपने क्या करना है, अपने माउस को ये लास्ट में लाना है, यहाँ पर आकर आपने एक बार क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको इंटरनेट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको फायरफॉक्स का जो है प्री इंस्टॉल्ड ब्राउजर मिल जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है और जो भी आपने ब्राउजिंग करनी है वो आपने इस ब्राउजर के अंदर ही करनी है।
रही है। ऑलराइट भाई लोगों, यहाँ पर हमारा जो ब्राउजर है वो ओपन हो चुका है। अब सबसे पहले हम अपनी आईपी एड्रेस वगैरह चेक कर लेते हैं कि कौन सी लोकेशन की हमें आरडीपी मिली है। बहुत से भाई लोगों की डिमांड थी यार हमें यूएसए की आरडीपी चाहिए, तो भाई ज्यादातर ये आरडीपी यूएसए की होती है। बट अब भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कौन सी आरडीपी है, किस लोकेशन की आरडीपी है। तो सिंपल गूगल में सर्च कर लेते हैं माई आईपी एड्रेस लोकेशन, यहाँ पर ही आपके सामने आ चुका है। इसको यहाँ पर सर्च कर लेते हैं और यहाँ पर इसको न्यू टैब के अंदर हम ऑन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारी आरडीपी की लोकेशन कौन सी है। न्यू टैब में मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ इसे। ऑलराइट, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो जो सिटी है वो डैलस है, जो रीजन है वो टेक्सास है और जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूएसए की हमें ये आरडीपी मिली है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें 32 GB रैम है, 500 GB की एसएसडी हार्ड ड्राइव है और 24 कोर का सीपीयू आपको मिला है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फास्ट तरीन आपको इस आरडीपी के अंदर इंटरनेट भी मिल चुका है। अब आप इसको जब चाहे जहां चाहे लॉगिन कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम के। तो इसी बात पर जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। एक और बात बता देता हूँ इस आरडीपी की, आपने कोशिश करनी है कि आपने इस आरडीपी को डे टाइम पर ज्यादा यूज करना है। जो शाम का टाइम है इस पर ज्यादा यूजर आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है ये आरडीपी थोड़ी सी ज्यादा लैग करती है। डे टाइम पर ये काफी अच्छे से आपके लिए वर्क कर देगी, ठीक है। तो अब आप इस आरडीपी में कोई भी काम इजीली परफॉर्म कर सकते हो, आप यूट्यूब चला ले, आप कुछ भी इजीली चला सकते हो। इस आरडीपी की मजे की बात यह है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई चीज इसके अंदर यूज कर रहे हो और आपका काम कंप्लीट हो गया और आपने आरडीपी बंद करके आप चले गए, थोड़ी देर बाद आपने अगेन आना है, फिर आपने आरडीपी ऑन की और आपने ब्राउजर ऑन किया, जो चीजें आपने पहले यूज की होंगी वो वैसी की वैसी ही आपको मिलेंगी। मतलब ये है कि आपके अलावा इस आरडीपी को कोई और यूज नहीं कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास ही इस आरडीपी की लॉगिन डिटेल वगैरह होंगी, आपके अलावा कोई और इसको यूज नहीं कर रहा होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और याद रहे 24 घंटे के बाद आपका जो पासवर्ड है वो अपडेट होगा और वो आपको पासवर्ड यहीं पर आपको फ्री आरडीपी होस्टिंग की वेबसाइट पर देखने को मिल जाया करेगा। तो यहां से आकर आपने अपनी आरडीपी को लॉगिन वगैरह कर लेना है। अब जाने से पहले आपने हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करना है और आपने हमारे सेकंड चैनल को भी लाजमी से विजिट करना है और आपने इस वीडियो पर लाजमी से अपना प्यार दिखाना है, इसको जाकर वॉच भी करना है, दूसरे लोगों की तरह नहीं करना। 8 मिनट की वीडियो है, 1 मिनट देखकर बस नेगेटिव कमेंट कर देना, ऐसा नहीं करना आपने। ध्यान से वीडियो देख लेनी, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो आपको चीज चाहिए वही आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। वीडियो को कम्प्लीट वॉच कर लेना, इस वीडियो को भी जरूर लाइक कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।